गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संगरिया, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से। और आज हम क्लास फोर्थ के लेसन नाइन्थ रामू एंड दी मैंगोज को पढ़ेंगे। चलिए, रामू एंड दी मैंगोज, रामू और आम, देखिए डिस्कस करते हैं शुरुआत में इसको। डू यू लाइक फ्रूट्स, क्या आपको फ्रूट्स पसंद है, फल पसंद है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, सबको पसंद है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो, आम, ग्रेप्स, वट एवर। वाई डू यू लाइक इट, तुम्हें ये क्यों पसंद है? बिकॉज इट्स जूसी, इट्स वेरी डिलीशियस। विच फ्रूट डू वी ईट इन समर सीजन, समर सीजन में कौन सा फ्रूट ज़्यादा आता है? तो मैंगो। और आज हमारा लेसन है ये मैंगो फ्रूट के बारे में। देखिए, इस बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर ये मैंगोज रखे हैं और ये हैं रामू जो मैंगो खा रहे हैं। चलिए, ए रिच मैन, रिच मैन अमीर आदमी, रिच मैन अमीर आदमी लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन, एक इन राजस्थान, एक अमीर आदमी राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहता था। वन डे, एक दिन, ही ब्रोट होम टू लार्ज, लार्ज मीन्स बड़े, एंड जूसी, जूसी रसीले मैंगोज। एक दिन वो अपने घर दो बड़े और रसीले आम लेके आया। ही गेव देम टू, उसने वो दे दिए किसे? हिज फ्रेंड, हिज सर्वेंट, सर्वेंट होता है नौकर, एंड सेड, और कहा, हे रामू, अरे रामू, टेक दिस टू द किचन, किचन रसोई को कहते हैं, एंड कट देम, इन्हें रसोई में ले जाओ और इनको काटो। मेक टू कप्स ऑफ कॉफ़ी टू, और दो कप कॉफ़ी बना दो। ए फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरा दोस्त, विल बी कमिंग सून, जल्दी ही आता होगा मेरा एक दोस्त। ब्रिंग द मैंगोज एंड दी कॉफ़ी वैन ही कम्स, जब वो आए तो ये आम और कॉफ़ी लेके आना। रामू टुक दी मैंगोज, रामू ने मैंगोज ले लिए, टू दी किचन, किचन में ले गया, एंड कट देम विद ए नाइफ, नाइफ चाकू, और उनको एक चाकू से काटा। देन, तभी, टू मेक श्योर दे वर नॉट श्योर, इस बात से वो पक्का होना चाहता था कि वो श्योर नहीं है, श्योर He put one piece in his mouth, उसने एक टुकड़ा अपने मुँह में रख लिया। वो ये चेक करना चाहता था कि कहीं आम खट्टे तो नहीं हैं। आह, अरे how sweet tasted it, कितने मीठा स्वाद है इसका। If I eat just one more piece, यदि मैं एक और पीस खा लूँ, एक और टुकड़ा खा लूँ, the master will never know, मास्टर को कभी पता ही नहीं लगेगा। He thought, उसने सोचा, he put one more piece into his mouth, अपने मुँह में एक पीस और डाल लिया, and then one more, और उसके बाद एक और। In a few minutes, और कुछ ही मिनट में, the plate was empty, खाली, प्लेट खाली हो गई। रामू felt little frightened, रामू को थोड़ा सा डर लगा। The master was sure to beat him, मास्टर उसको पक्का था कि पीटेगा, बीट पीटना, कारण वो दो आम थे सोर्स, दोनों के दोनों आम खा गया। जस्ट देन ही हियर्ड हिज मास्टर कॉलिंग, तभी उसने अपने मास्टर को बुलाते हुए सुना, रामू हैव यू कट दी मैंगोज, क्या तुमने आम काट लिए? कीप दी कॉफी रेडी टू मी, मेरे लिए कीप दी कॉफी रेडी टू, कॉफी भी तैयार रखें। माई फ्रेंड विल बी हियर एनी मिनट, किसी भी क्षण, किसी भी मिनट मेरा दोस्त यहाँ होगा, यहाँ होगा मतलब यहाँ आ जाएगा। पुअर रामू, बेचारा रामू, वट वॉज ही टू डू नाउ, अब वो क्या करता? ही हैड ऑलरेडी ईटन अप द मैंगोज, वो पहले ही आम खा चुका था। ही थॉट क्विकली, उसने जल्दी से सोचा, एंड गोट एन आइडिया, और तभी उसे एक आइडिया आया। ओ मास्टर, अरे मास्टर, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया,
दी नाइफ इज ब्लंट, ये नाइफ तो, ये चाकू तो तीखा ही नहीं। आई कांट कट दी मैंगोज विद इट, मैं इसे मैंगोज नहीं काट सकता। यू फूल, यू फूल, फूल मूर्ख, वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया। दी मास्टर शाउटेड, मास्टर चिल्लाया, ब्रिंग दी नाइफ हियर, चाकू को यहाँ लाओ। आई विल शार्पन इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसको तीखा कर देता हूँ, तेज कर देता हूँ। रामू टुक ए लार्ज एंड ब्लंट नाइफ फ्रॉम दी किचन एंड गेव इट टू हिज मास्टर। रामू किचन से एक बड़ा और बिना तीखा, ब्लंट बोल देते हैं भोटा जिसको कहते हैं, वो चाकू किचन में से ले गया और मास्टर को दे दिया। वाइल दी मास्टर वॉज बिजी, और जब मास्टर व्यस्त था शार्पनिंग इट, इसको तीखा करने में, चाकू को तीखा करने में, जब मास्टर बिजी था, रामू क्वाइटली, क्वाइटली चुपके से वेंट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गया। ही सा हिज मास्टर्स फ्रेंड कमिंग, उसने अपने मास्टर के दोस्त को आते हुए देखा अप दी रोड, सड़क के ऊपर। रामू रेन टू मीट हिम, रामू उसे मिलने के लिए दौड़ा। मीट, मीट मीन्स दौड़ना। सर सर, श्रीमान श्रीमान, ही सेड दी फ्रेंड, उसने दोस्त को कहा, हैव यू हैड ए फाइट विद माई मास्टर, क्या तुम्हारी मेरे मास्टर के साथ लड़ाई हुई थी। ही सेज दैट ही विल कट ऑफ बोथ ऑफ योर ईयर्स, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे दोनों कान काट लेंगे। दी फ्रेंड स्टेयर्ड इन सरप्राइज, दोस्त ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर घूरा। फाइट, लड़ाई, ही सेड, उसने कहा, वी डिडंट रियली हैव ए फाइट, हमारे बीच में वास्ते में लड़ाई नहीं हुई, बट यस्टरडे, परंतु कल, व्हेन ही, वो ही है, ही केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आए, आई पुट ऑन ही चप्पल्स बाई मिस्टेक, मिस्टेक गलती, मैंने गलती से उनकी चप्पलें पहन ली। नाउ वाई शुड ही वॉन्ट टू कट ऑफ माई ईयर्स फॉर ए लिटिल थिंग लाइक दैट, अब वो उस कारण के लिए तो मेरे कान क्यों काटना चाहेगा। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स, वो तुम्हारे कान काटना चाहते हैं। रामू सेड टू अगेन, रामू ने फिर कहा, इफ यू डोंट बिलीव मी, यदि आपको मेरा विश्वास नहीं होता, बिलीव विश्वास करना, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख सकते हैं, बट माइंड, परंतु ध्यान रखना, डोंट लेट हिम कैच यू, वो तुम्हें पकड़ ना पाए। दी फ्रेंड क्रेप्ट अप टू एन ओपन विंडो, वो दोस्त धीरे रेंगता रेंगता खिड़की के पास गया, खुली खिड़की के पास, ओपन खोलना या खुला विंडो खिड़की, एंड सा दी मास्टर ऑफ द हाउस शार्पनिंग ए बिग नाइफ, उसने देखा मास्टर, घर का मालिक, बड़े से चाकू को, नाइफ को तेज कर रहा है, तीखा कर रहा है। माई गुडनेस, मेरा भला हो, ही क्राइड, उसको चिल्लाया, ही रियली वॉन्ट्स टू कट ऑफ माई ईयर्स, वो वास्तव में मेरे कान काटना चाहता है। आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सीज मी, मेरे लिए अच्छा होगा कि उसके देखने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ही टर्न राउंड, वो वापस घुमा, एंड रेन बैक द वे ही हैड कम, और उसी रास्ते पे दौड़ा जिस रास्ते से वो आया था। रामू देन रेन टू हिज मास्टर क्राइंग, रामू तभी चिल्लाते हुए अपने मास्टर के पास आया, मास्टर मास्टर, योर फ्रेंड हैज़ टेकन बोथ दी मैंगोज, आपका दोस्त दोनों माम ले गया। दे आर ही इज रनिंग अवे, देखो वो वहाँ दौड़ रहा है। दी मास्टर लुकड अप, मास्टर ने उधर देखा, एंड सा हिज फ्रेंड रनिंग अवे एट टॉप स्पीड, उसने देखा उसका दोस्त टॉप स्पीड में दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ही रश्ड आउट, वो बाहर दौड़ा, एंड रैन आफ्टर हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के पीछे पीछे दौड़ा। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, कीप वन ऑफ देम इफ यू लाइक, यदि तुम्हें अच्छे लगते हैं तो उनमें से एक रख लो, बट लेट मी हैव दी अदर, परंतु
दूसरा तो मुझे ले लेने दो। अदर वन, दूसरे वाला। द फ्रेंड लुक्ड बैक, तभी दोस्त ने पीछे देखा। लुक्ड बैक एंड सा द मास्टर रनिंग आफ्टर हिम विद ए बिग नाइफ इन वन हैंड। उसने देखा एक बड़ा सा चाकू लिए एक हाथ में, और वो मास्टर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया। इन टेरर, डर से वो चिल्लाया। डबलिंग हिज स्पीड, अपनी गति को और तेज करते हुए। ही वैनिस्ड इन द डिस्टेंस, वो थोड़ी दूर पे वो वैनिश हो गया। डेनिस, वैनिश मीन्स गायब होना, डिस्टेंस दूरी। द मास्टर सून गेव अप द चेज, तभी मास्टर ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। चेज, चेज मीन्स पीछा करना। एंड वेंट बैक टू हिज हाउस, और अपने घर में वापस चला गया। कॉलिंग रामू, रामू को बोलते हुए। ही सैड, उसने कहा, आई नेवर न्यू हाउ ग्रीडी दिस मैन वॉज, मैं कभी नहीं जानता था ये आदमी इतना लालची था। ग्रीडी, लालची। एंड ए थीफ टू, और एक चोर भी। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे बताने के लिए धन्यवाद तुम्हारा। ही देन वेंट आउट, तभी वो बाहर गया। एंड केम आउट विद टू मोर लार्ज एंड जूसी मैंगोज, और दो बड़े और रसीले आमों के साथ दोबारा आया, यानी दो और आम लेके आया वहाँ से। गिविंग देम टू रामू, वो रामू को देते हुए। ही सैड, उसने कहा, हे रामू यू ईट वन, तुम एक खा लेना। एंड कट दी अदर वन फॉर मी, और दूसरे वाला मेरे लिए काट देना। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आप इसको बार बार सुनिए और याद कीजिए। थैंक यू।